अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। वाशिंगटन से बहुत दूर पाकिस्तान में जब 11 फरवरी 2024 के दिन का इख्तिताम हुआ अब से चंद घंटे पहले, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रखूँगा, तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कन्फ्यूजन है, कयास है, बेसिमती है, खुदगर्जी, चोर बाजारी, झूठ और मुनाफ़कत का एक नई कई कई बाजार जो है वो गर्म है। पाकिस्तान की सूरत हाल को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बड़ा रंजीदा होता हूँ। मुझे दिल ही नहीं चाह रहा था आज इस पर बात करने के लिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा रिपेयर करना चाह रहा था इसको। जब देखता था मेरा दिल बैठ जाता था। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। इट्स ए फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन स्टेट। सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान और चीन बिल्कुल बराबर बराबर हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन नंबर वन इस वक्त हिंदुस्तान है, नंबर दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पे 330-335 मिलियन की आबादी अमेरिका की है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया की आबादी है, जिसकी पाकिस्तान से थोड़ी सी आबादी कौन की 275 मिलियन की आबादी है, पाकिस्तान के अंदाजन 250 मिलियन की आबादी है। सो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इज इंडोनेशिया एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज पाकिस्तान। अब नंबर वन को देखें, नंबर टू को देखें, नंबर थर्ड को देखें अमेरिका को देखें, नंबर फोर्थ इंडोनेशिया को देखें और फिर नंबर फिफ्थ कंट्री को देखें, तो शायद आप मुझसे इत्तफाक करें कि दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन के, ये टॉप 5 का तो मैंने जिक्र आपके सामने कर दिया, कहीं पर भी इतनी ज़्यादा बदहाली, बेसिमती, कन्फ्यूजन, कयास, हेजान एंड लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। कोई बड़ी इतना बड़ा मुल्क कोई ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर। और ये कहने में बहुत बड़ी फौज है, एक न्यूक्लियर वेपनाइज कंट्री है, लेकिन इस कंट्री के अंदर कन्फ्यूजन है, कयास है, कोई इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। और इसके पास और यहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास कोई इस वक्त बिगर पिक्चर जो है वो नहीं है। कहने में पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड अहम इदारे हैं, पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट है, वहाँ के एक आर्मी चीफ हैं जो इस वक्त दुनिया के सबसे कन्फ्यूज तरीन, कायोटिक, और मतलब कोई कैपेसिटी उनकी नहीं है। उन्होंने एक उनका दिल आया हुआ है, उन्होंने एक अपने अपने जहन में एक ख्याल उन्होंने बनाया हुआ है, कि किसी कंसल्टेंट ने इनको कोई एक पेज का आइडिया लिख के दे दिया है, SIFC, जो हर वक्त दोहराते रहते हैं सुबह शाम, वो उठते बैठते सोते हुए टॉयलेट में जाते हुए, SIFC, दैट इज़ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कमेटी, जिसको कामरान खान साहब भी, जो पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड टीवी एंकर हैं, वो भी हर वक्त दिन में एक दफ़ा एक ट्वीट ज़रूर कर देते हैं SIFC के हवाले से। ठीक, तो ये टोटल सम टोटल विजन है इस मुल्क का, जिसका कि हम इस वक्त हालात देख रहे हैं, उसका हम जिक्र करने वाले। इस स्टेज पे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को एक बिगर पिक्चर चाहिए। वो बिगर पिक्चर की एब्सेंस की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क का जो सबसे अहम, सबसे ज़्यादा जो जिसके लिए द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन फॉर हिम, इमरान खान, उसको इस मुल्क के सिस्टम ने और पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट ने और जनरल आसिम मुनीर ने और नदीम अंजुम ने और फैसल नसीर ने, इस शख्स को जिसके पीछे पाकिस्तान के लोग खड़े मुत्तहिद हैं बड़ी तादाद में, उसे उन्होंने जेल में बंद करके रखा है। अब ये कोई महज मैटर ऑफ द स्पीच नहीं रहा, ये कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, उस पर एतमाद करते हैं। एंड इट इज़ नॉट विदाउट अ रीज़न कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान पे एतमाद करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, करोड़ों लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में फैले हुए डायस्पोराज, अगर इमरान खान पे एतमाद करते हैं तो इसकी कोई वजह ही होगी। कोई वजह ही है कि वो आसिम मुनीर पे एतमाद नहीं करते, कोई वजह ही है कि उनको नदीम अंजुम की शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई वजह ही है कि उनको फैसल नसीर पसंद नहीं है, कोई वजह ही है कि उन्हें नवाज शरीफ को उन्होंने मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है, कोई वजह ही है कि उन्हें आसिफ अली जरदारी के ऊपर एतमाद नहीं है, कोई वजह ही है कि उन्हें मौलाना फजल रहमान के ऊपर एतमाद नहीं है, कोई वजह ही है कि वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एतमाद नहीं करते। तो पाकिस्तान के लोगों को सब्जुकेट करके रखा है और उस कौम का जो असल जेन्युइन लीडर है उसे बंद करके रखा है। और जब तक उसके साथ उसकी पार्टी और लोगों का रब्ता नहीं होगा, कोई बिगर पिक्चर भी क्लियर नहीं होगी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि जब से केसेस ख़त्म हुए हैं, अब इमरान खान तक जो एक्सेस है उसे भी ये अरबाब इख्तियार और जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। यानी जुल्म की इस दास्तान के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। यानी आप कोई रास्ता, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो इमर्ज नहीं करने दे रहे।
जैसे कि शायद मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बात करूं इस पर, लेकिन मैं समझता हूं कि जो बिग पिक्चर के हवाले से चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, शायद उससे किसी न किसी का भला हो जाए और किसी का नहीं। तो तहरीक इंसाफ की जिस टीम जो फॉर्म 45 के ऊपर अब एक वेबसाइट डेवलप कर रही है, लोड कर रही है, शायद उसका कम अज़ कम ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। देखिए पहली बात यह है, बहुत से पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैं कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाना भी चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी और PMLN में, अच्छा PPP ने दरमियान में PTI को अप्रोच करने की कोशिश की, बिलावल जरदारी भुट्टो ने मिलने की कोशिश की PTI के लोगों के साथ, लेकिन वो चीज़ मेटेलाइज नहीं हो सकी बिकॉज तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई उसका वाज़े जवाब जो है वो नहीं दिया गया। बहरहाल अब PPP और PMLN की मीटिंग्स हुई हैं, पहली एक बाकायदा फॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें दोनों साइड से बहुत टॉप लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें PMLN ने एक मखलूत हुकूमत में पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला जो है वो कहते हैं कि हमारे पास है, वो पावर शेयरिंग फार्मूला जो है, अच्छा हतमी फैसला इसमें कोई नहीं हुआ, लेकिन PMLN का पावर शेयरिंग फार्मूला जो सामने आया है वो ये है कि प्रेसिडेंसी और नेशनल असेंबली की स्पीकरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाए, और पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो PMLN के पास। यहाँ तक तो बात कोई नई है भी नहीं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वैसे तो शहबाज शरीफ की बात हो रही है, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि अभी भी नवाज शरीफ साहब के दिल में यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील सेटल कर जाए। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं यहाँ से 2019 में पाकिस्तान से बीमारी के सर्टिफिकेट में, ये सब आपके मुनाफे कहते थे वो बीमार हैं, तो दिल की बीमारी का बहाना करके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से फरार हुए थे। असल में वो दिल नहीं, उनका दिमाग ख़राब था, उस वक्त भी उनका दिमाग ख़राब था और अब भी उनका दिमाग ख़राब है। आपको याद होगा चंद दिन पहले जब गुजरांवाला में उन्होंने एक तकरीर की, गुजरांवाला में जहाँ अंग्रेज़ी शायद किसी को नहीं आती, कोई लड़का भी किसी लड़की को नहीं कहता होगा कि आई लव यू, लड़की भी कोई नहीं कहती होगी, पता नहीं, वहाँ नवाज शरीफ सब खड़े होके जिना स्टेडियम में लोगों को कह रहे थे डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, मतलब क्रैकपॉट नहीं कोई होता। मतलब इस इलेक्शन कंपेन में जिस तरह से नवाज शरीफ ने इस इलेक्शन कंपेन को कंडक्ट किया, और जिसके बाद जिस मुनाफ्त से नवाज शरीफ दोबारा से एक लालच में जो है उन्होंने ये सारा इलेक्शन का ड्रामा किया हुआ है, जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 60 से 55 या 60 सीटें उन्होंने PTI की मारी हुई हैं जाली फॉर्म 47 से, इनको देख के मैं कम से कम इस नतीजे पहुंचता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जहनी तौर पे भी ठीक नहीं है, कम से कम मेरा कम से कम ये ख्याल है। इससे अंदाजा लगाया इस चीज़ से कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान में कैप्टन सफदर ने एक एप्लीकेशन डाली, जैसे इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है या जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब के समेत बैठ के चार मेहमान जो हैं ECP के, उन्होंने उस एप्लीकेशन पे फैसला किया। एप्लीकेशन क्या थी, कैप्टन सफदर ने कहा कि मानसेरा का जो रिजल्ट है जहां नवाज शरीफ साहब गालिबन 25,000 वोटों से हार गए हैं PTI के कैंडिडेट से, इसके इलेक्शन के नतज का फाइनल नोटिफिकेशन रोका जाए। वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है बेचारा, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने फॉर्म 47 इशू कर दिया हुआ, और कैप्टन सफदर ने वहां पर ये भी बताया ECP को कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो पता नहीं जख्मी है, ये बेहोश हो चुका है, उस पर सर पे चोट लगी है, क्या चक्कर है, वो तो अस्पताल में है, और अंडर द सर्कमस्टेंसेस उसको वैसे भी नोटिफिकेशन इशू नहीं करना चाहिए। ये नहीं क्लियर हुआ मुझे कि रिटर्निंग ऑफिसर को किसने मारा है जाके, और वो क्या वजह है, उसको वैसे बेचारे को स्ट्रोक हो गई है, सर में उसको चोट लग गई है, सदमा हो गया बेचारा ये मुनाफ्त को देख के। बहरहाल उसके बाद जो सबसे बड़ी मुनाफ्त है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी दे दिया है रिटर्निंग ऑफिसर को कि आप यहाँ का मानसेरे का नोटिफिकेशन इशू ना करें, नवाज शरीफ साहब का दिल है कि वहाँ से भी मैं हाँ, और ये कहा है कि 125 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके फॉर्म तो हमें मिले ही नहीं है, इसका मतलब है कि ISI जो है नवाज शरीफ साहब के लिए 125 जो फॉर्म्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही होगी 145 वहाँ देने के लिए, बड़ा वो नतीजा उन्होंने रखवा दिया। तहरीक इंसाफ की जो IT टीम है उसने insaf.pk के ऊपर फॉर्म 45 लोड खासे कर दिए हैं, प्रोसेस शुरू किया है, पाकिस्तान में साइट जो है वो बैन हो चुकी है, लेकिन मैं आपको इसकी स्क्रीन शॉट्स अभी दिखाता हूँ और फिर मैं कुछ इसमें आइडियाज़ भी जनरेट करूंगा। अच्छा उसके अलावा तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े अच्छे लोग जो सपोर्टर हैं तहरीक इंसाफ के, वो इतनी हिजान का और गुस्से का शिकार हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमले करते फिर रहे हैं, जिसको एक तरह से हैदर मेहदी साहब, दूसरी तरफ से मेजर आदल राजा वो बाकी सब के ऊपर जो जो जिसको जिससे उनको लगता है दोनों को, और उतने वो गुस्से में हैं, इतने जज्बात से भरे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन गुस्सा इतना है, हैजान इतना है कि जिसके से उनको कोई इख्तलाफ हो जाता है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर ISI का एजेंट गद्दार रॉन्ग नंबर वगैरह का इल्ज़ाम जो है लगा देते हैं। लेटेस्ट उनका वैसे जो है डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर हमले, और डॉक्टर शहबाज गिल को भी इतना ज़्यादा काउंटर जवाब देने की जरूरत नहीं थी, हैदर मेहदी साहब का जितना लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने जवाबी तौर पर लिखा है। मेरी इन दोनों सबसे ही मेरी गुजारिश है कि खुदारा दिस इज़ नॉट हेल्पफुल।
ये हेल्पफुल नहीं है। लोगों के डिफेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफेंस ऑफ ओपिनियन होने का हर किसी का मतलब नहीं है कि वो गद्दार है या ISI से मिला है। और जहां तक ISI है, ISI पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अटल हकीकत है, और जितनी भी PTI की इस वक्त लीडरशिप है, जो बैरिस्टर कौर हैं, उमर अयूब हैं, हमाद अजहर हैं, मुराद सईद को छोड़ के जितने भी सामने आपको नजर आ रहे हैं, मरवत साहब है, ये सब किसी न किसी लेवल के ऊपर ISI के साथ इनका रابطہ होगा। ये एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये सौदाबाजी ही कर रहे हैं। ISI अपने आइडियाज़ भी इंजेक्ट करती होगी, ये ISI को अपने आइडियाज़ भी देते होंगे। इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, इसको रियलिज्म कहते हैं कि एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर आपको इसको समझने की जो है वो ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिगर पिक्चर की ज़रूरत है। अब बिगर पिक्चर क्या है, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो पाकिस्तान का अंग्रेजी अखबार है, उसकी एक साइट में आपको दिखाता हूँ, उसके पेज में जहाँ टोटल नंबर जो है दिखाया जा रहा है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, अगर मेरी किस्मत काम कर जाए मैं आपको दिखा सकूँ स्क्रीन शेयरिंग से। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही है उसका पेज। और ये पार्टीज की वो पोजीशन है जो कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक का रिजल्ट जो है उसको ऑफिशियल करार दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी PMLN को डिक्लेयर कर दिया है 75 सीटों के साथ, PPP को दूसरी पार्टी है 54 सीटों के साथ, और फिर PTI इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स। अच्छा, ये तो खैर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मेहरबानी की है कि उसने ये लिखा है कि ये PTI बैक इंडिपेंडेंट्स हैं। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी यहाँ दिखाई है, वरना इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ये मुतफरक किस्म के 101 इंडिपेंडेंट हैं। MQM की 17 सीटें यहाँ पे शो की जा रही हैं, JUIF की 4 हैं, और इंडिपेंडेंट्स की 0 है। ये भी कोई ये नहीं, बहुत अच्छा ये काम किया ट्रिब्यून ने कि कहा कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है जो असल में इंडिपेंडेंट है। या नीचे देखें कि जमात इस्लामी, जिसके साथ खबर यह है कि तहरीक इंसाफ एक इलाहाब का सोचती है असेंबली के अंदर, उसको 0 सीट्स दी गई हैं, अगलों ने डिसाइड करके। और अदर्स में ये 13 यहाँ लिखा है, ऊपर आपने इंडिपेंडेंट्स में देखा है 0 है ये, और फिर अदर्स भी हैं, क्योंकि ये नंबर आप इन सबके ऐड करें तो ये 266, ये 264 पूरे नहीं होते, जब तक कि इसके अंदर आप ये अदर्स डालेंगे 13, फिर ये 266 वाले जो है ये पूरे होते हैं। अब इसमें मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ साइट को, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मजीद इसके हवाले से। साइट ही नहीं बंद हो रही। अच्छा, ये IT के अलग मसले हैं, साइट तो मैं बंद कर रहा हूँ, अगर ये साइट ही बंद नहीं होगी तो इसको मैं आगे चलूंगा कैसे। अच्छा, शुक्र है, बड़ी मुश्किल से साइट ही बंद हो गई है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस, बिकॉज मैंने आपको मजीद स्क्रीनशॉट्स भी दिखाने। PMLN के बारे में एक इत्तफाक है, मैंने तो हमेशा आपको कहा था कि 20 से ज़्यादा सीटें नवाज शरीफ साहब नहीं ले सकते। हामिद मीर साहब भी ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि 15 सीटें उन्होंने ली हैं, लेकिन और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ये बात मसल से लीक आउट हो रही है कि PMLN के अपने लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर ये कह रहे हैं कि इसमें से 15-16 ही हमारी अपनी सीटें हैं, 15-16 या 17 हमारी सीटें, बाकी सारी सीटें माशाल्लाह ISI ने मेहरबानी करके उसके फॉर्म 45 वगैरह या फॉर्म 47 बना के इनको दी। अगर ये बात सही है तो इसके हिसाब से आप देखिए कि जो 75 सीट्स जो हैं इस वक्त हैं PMLN के पास, उसमें से अगर 15 इनकी अपनी हैं तो 60 सीटें जो हैं इनको दिलवाई गई, और अगर इनकी 20 अपनी है तो 55 सीट इनको दी गई। यानी एनीवेयर फ्रॉम 55 to 60 सीट्स जो PMLN की 75 सीटों में, वो PTI की सीट्स हैं। PPP की जो 54 सीटें हैं, 54, इसमें मैक्सिमम इनकी 40 अपनी सीटें हैं, 14 सीटें आप कह सकते हैं कि 13 या 14 सीटें जो हैं इस वक्त इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ठीक, ये एक अरिथमेटिक है जिसको जहन में रखें, और जहाँ कहीं आपको मौका मिले लोगों को बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त 55 to 60 सीट जो है वो PTI की दबाई नहीं, ये बेसिक मुकदमा है। अब आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि PPP के बिलावल ने मिलने की कोशिश की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ। किसके साथ मिलने की कोशिश की, मैं वो नाम नहीं आपको कह रहा, लेकिन वो नहीं हो सका बिकॉज तहरीक इंसाफ में कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको पीपल्स पार्टी के साथ मिलना है या क्या करना है। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि पीपल्स पार्टी ने जो अप्रोच की है टुवर्ड्स PTI, वो बड़ी हाफ हार्टेड किस्म की उनकी अप्रोच है, और PTI के पास कोई बिगर पिक्चर नहीं है कि उनको पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह से डील करना है। ताहम कम अज़ कम 3, मुझे पता चला कि लीडर्स हैं, गौहर, बैरिस्टर गौहर अली खान हिमसेल्फ, उमर अयूब साहब एंड रूह हसन, उन्होंने PTI के अंदर ये डिस्कशन की, और उन्होंने ये कहा कि हमें PTI को नज़र, हमें पीपल्स पार्टी को पिक्चर में रखना चाहिए, और हमें पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो बात हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बदकिस्मती है कि PTI और पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी भी मीनिंगफुल लेवल पे एंगेज नहीं कर सके। पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट, लेवरेज, बैलेंस ऑफ पावर, नेगोशिएशन, आइडियाज़ प्रमोट करना, आइडियाज़ पे बात करना, फोर्थ कब एंड फोर्थ यू नो टू एंड फ्रो जो होता है, ये मूवमेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी।
वो पॉलिटिक्स कोई पॉलिटिक्स नहीं है जिसमें एक आप आइडियलिस्ट नारा मार दें और उसके बाद कहें कि हमने किसी और से बात नहीं करनी, हम किसी के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है, हमारा तो ये अटल फैसला हो गया है, हमारे तो पत्थर की लकीर है। ये पॉलिटिक्स नहीं होती, ये बेसिकली एक मिलिट्री माइंडसेट है। ये माइंडसेट जो है ये जनरल साहब का यूनिफॉर्म में हो, बगैर यूनिफॉर्म के किसी का ये माइंडसेट हो, ये एक मिलिट्री माइंडसेट है। और जो मुल्क तरक्की करते हैं जैसे कि हिंदुस्तान ने तरक्की की है, वहाँ एक पॉलिटिकल माइंडसेट एग्जिस्ट करता है जिसमें वो मसलसल एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बड़ी नॉइजी डेमोक्रेसी है, उसके 75 बरस में आप देखें वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा है, मारदाड़ होती रही, इल्ज़ाम लगते रहे, नॉइज कप सब कुछ था, लेकिन इसी के अंदर से एक पॉलिटिकल कंसेंसस होता है। और हिंदुस्तान का जो एक एवरेज शहरी है उसका जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी जो कॉग्निसेस है, कॉग्निजेंस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज़ की, अपनी ज़िंदगी की, अपने इलाके की, दुनिया की, वो पाकिस्तान के एक एवरेज शहरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और उसके पीछे पॉलिटिकल प्रोसेस है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस ही नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल मायूस को लगती है कि इस स्टेज के ऊपर भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो एक दूसरे को एंगेज नहीं कर सके, और जो एंगेजमेंट की बात करता है उस पर इल्ज़ाम, गद्दार, रॉन्ग नंबर, ISI के साथ बलावा, जाली वगैरह वगैरह वगैरह, नॉट टू इग्नोर दी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट पेनफुल रियलिटी जिनका मैं जिक्र भी करने वाला हूँ। अब जाहिर है कि इसमें फाइनल डिसीजन जो है वो इमरान खान ने करना था, इमरान खान तक तहरीक इंसाफ को कोई अनफ्रेटेड एक्सेस ही नहीं है, और ख़ुद इमरान खान ने जिस तरह का उनका नैरेटिव रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ, और बाकी सारी तहरीक इंसाफ का जिस तरह का नैरेटिव रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल, वो गलत भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको उन चीज़ों को फिर नज़रअंदाज करके इंगेजमेंट करनी होती है। तो आई एम नॉट श्योर कि पीपल तहरीक इंसाफ, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तहरीक इंसाफ नहीं कर सकेगी कोई इंगेजमेंट पीपल्स पार्टी के साथ, और शायद इमरान खान भी करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे। इतना उन्होंने टॉक्सिक और जहरीला नैरेटिव जो है वो पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने खुद दिया हुआ है लोगों को कि इस स्टेज के ऊपर अगर वो करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकेंगे, विच इज़ इन फैक्ट अ ट्रेजिडी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन पाकिस्तान पोलिटिकल हिस्ट्री। अच्छा, अब इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आपको, अच्छा मैं क्यों हमेशा मैंने ये कहा, मैं तो 2 साल से मसलसल अपने व्लॉग्स में, अपने टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा कि पीपल्स पार्टी में और पीटीआई के दरमियान कोई एक अरेंजमेंट होना चाहिए, मैं आपको टीवी प्रोग्राम में बात आऊँ, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का जो बेस है, जो उनका फोकस है वो सिंध है, उनके पास कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है, एक आध से ज़्यादा सीट वो कराची में नहीं ले सकते, साउथ पंजाब में ये जो 14 सीटें उनको ज़बरदस्ती दे दी गई होंगी पीटीआई की, उनके पास कोई अपनी कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर सीटें जीतने की, और उनके दरमियान पॉलिटिकल डील हो सकती थी ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कराची को तहरीक इंसाफ सिक्योर करे। और पीपल्स पार्टी के साथ आप कह रहे हैं कि अनलिमिटेड किस्म की, क्योंकि पॉलिटिक्स कहते हैं इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो कई किस्म की डील्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान हो सकती थी, उसकी बड़ी डिफरेंट फॉर्म्स हैं अगर आप डील करना चाहें। अच्छा, मेरा जो आइडिया था जो पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि अगर इनके दरमियान एक डील हो तो उसकी प्री कंडीशन ये हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे, वो कहे कि फॉर्म 47 की स्क्रूटनी होनी चाहिए, 3-5 वर्किंग डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है सारे फॉर्म 47 जो है रखे, फॉर्म 45 जो पीपल्स पार्टी के सामने उनको देखा जाए, हमें सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं करते, जितने पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, और एक ऐसी डील हो जिसके नतीजे में इमरान खान को रिहाई मिले, तहरीक इंसाफ के और लोगों को रिहाई मिले, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो एक प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन करें टू एंड फ्रो कई दिन की, जिसके नतीजे में देखें कि हम किस किस्म की कोई पावर शेयरिंग कर सकते हैं उसमें, चाहे तहरीक इंसाफ कोई मेजर पोजीशन ना ले, पीपल्स पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, फाइनेंस दे दे, या फाइनेंस अपने पास रखे, कोई विजिबल पोजीशन ना रखे, और एक डील कर सकती है 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, उसमें ये डील भी हो सकती थी। जो लोग, चूंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल और लोग इसको समझते नहीं है, हर किस्म की डील हो सकती थी। डील ये भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एग्री कर रहे हैं कि हम 2.5 बरस के बाद इलेक्शन करवाएंगे, वो ये भी एग्री कर सकते हैं कि हम सिंध में पीटीआई नहीं जाएगी, बाकी तमाम एरियाज में हम कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डील हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिकल डील करने की डिज़ायर, कैपेसिटी और स्किल सेट ही नहीं है। और इस वक्त तो अगर उनके पास जो कोई डील मेकिंग करने वाली लीडरशिप होती वो सारी की सारी तितर बितर हो चुकी है, मतलब वो आगे पीछे हो गए हैं, अब उनका नाम भी लेंगे तो लोग गालियां निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल सेंस थी तो वो परवेज़ खटक में थी जिनके ऊपर बम गिरा एस्टेब्लिशमेंट का, वो अलग हो गए। असद उमर में खैर कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शायद थी भी नहीं सेंसिबिलिटी, लेकिन परवेज़ खटक में डेफिनेटली थी, एक ज़माने में जहांगीर खान तरीन में बहुत थी, लेकिन बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, एक दर्दनाक किस्म की कहानी है। पॉलिटिक्स में जो चीज़ मैटर करती है वो बैलेंस ऑफ पावर होता है, आप पॉलिटिक्स को अकेले नहीं रन कर सकते। इमरान खान इस हद तक तो बहुत कामयाब हुए हैं कि पूरे पाकिस्तान के लोग उनके साथ स्टेज पे खड़े हैं, और उनका इस गालिबन विजन ये है कि मैं
एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दूंगा जिसमें हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को तन तनहा हम रूल कर सकते होंगे। और ये हकीकत है कि शायद एनी वेयर बिटवीन 150 to 180 सीट्स इस वक्त अगर जनरल मान लिया जाए तो इस रिग्ड इलेक्शन के अंदर भी 150 से 180 सीट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास हैं। लेकिन उनको आप रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो हैं आपके पास ज़रूर, लेकिन वो नहीं भी हैं आपके पास। जैसे मैंने आपको अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेस प्रीव्यू का स्लाइड आपको मैंने दिखाई। अच्छा, अब इसमें एक और सिचुएशन में देख लें कि करंटली जो पावर बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की मेजोरिटी उनके साथ है, PMLN के साथ जनरल आसिम मुनीर हैं और PPP के साथ जनरल नदीम अंजुम है जो DGI है। अच्छा, अब ये जो जनरल नदीम अंजुम है ये PPP के साथ हैं, बिलावल के साथ हैं, जरदारी के साथ हैं। इसके ऊपर डॉक्टर मेजर आदिल राजा साहब ने बहुत तफसील से कई दफ़ा उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट्स में। लेकिन उनके इन लिखने के अलावा भी बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से मुझे ये पता है, बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से, कि किस तरह से जनरल नदीम अंजुम और जनरल आसिम जो हैं उनकी अपनी अपनी टीम्स हैं, उनके दरमियान एक टर्फ वॉर हो रही है। दोनों जो हैं बहुत ही शक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट जो हैं ये PMLN में खाते में डाले जाए और PMLN को वो फ्रंट लीडर देना चाहते हैं। नदीम अंजुम जो है उनका वजन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ। इसमें एक अजीब मजीद कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि सम हाउ द अदर जन नदीम अंजुम जो है उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर जो है डोनाल्ड ब्लूम उनके थ्रू उन्होंने वाशिंगटन के अंदर भी एक गुडविल जनरेट कर दी। अक्सर लोग ये तो कहते हैं कि नदीम अंजुम को वाशिंगटन के अंदर एक इन्फ्लुएंस हासिल है और टोनी ब्लिंकन की तस्वीर में वो कबाब में हड्डी जब बने, जब जनरल आसिम मुनीर के साथ वो भी आके उस तस्वीर में अपनी शक्ल लेके उसमें शामिल हो गए और उसके बाद मेरा ख्याल है जो टॉक की थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे कहीं वाशिंगटन के अंदर उसमें भी जनरल नदीम अंजुम थे और वहाँ जो लोग सुनने वाले थे उन्होंने ये नतीजा निकाला। ये मुझे अमेरिकन सोर्सेज ने बताया, मैं कल ट्विटर पे था कहीं पे, पीपल फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट एंड अदर्स, तो उनका ये कहना था कि कोई भी जनरल आसिम मुनीर से इम्प्रेस नहीं हुआ लेकिन लोग नदीम अंजुम को उनको लगता था कि वो उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हैं। नदीम अंजुम की पॉलिटिक्स ये है कि वो किसी तरह से बाद में आर्मी चीफ बन जाए, ये खैर मेरे आदिल राजा भी लिखा है, लेकिन वाशिंगटन के अंदर भी कुछ इस किस्म की कहानी चल रही है। ठीक, अब नदीम अंजुम जो है उस पिक्चर में आ गए थे, इसमें कोई शक नहीं कि उस पिक्चर में आ गए थे, लेकिन ये चीज़ मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम जो पाकिस्तान में US एम्बेसडर हैं उनको उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली इस्तेमाल किया और उन्होंने एम्बेसडर को बड़ा फैसिलिटेट किया बलूचिस्तान जाने के लिए, गवादर जाने के लिए। अपना उनके पास जहाज़ है DGI के पास, वो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर के बहस पे रखा और यूँ अमेरिकन एम्बेसडर को उन्होंने कल्टिवेट किया और अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो उनके गालिबन सबसे बड़े सफारशी हैं वाशिंगटन के अंदर। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि वाशिंगटन के अंदर कोई बड़े कांग्रेसमैन या सैनिटर या कोई NSA जो है वो उनका कोई बहुत बड़ा हमायती है। लेकिन ये तो एक बड़ा फ्रेजाइल सा उनका एक्सेस है वॉशिंगटन के अंदर जिसको ज़्यादा ओवर एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए, ये कहानी है। अच्छा, अब PP का तो जिक्र हो गया कि नहीं इन्होंने कोई किसी किस्म की डील उनके साथ की। अच्छा, पॉलिटिक्स में मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को जो इस वक्त शदीद गुस्से हैजान और उस तमाम चीज़ों का शिकार है। पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। इट इज़ फॉर मोर डिफिकल्ट दैन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज पॉलिटिक्स के अंदर वेरिएबल बहुत ज़्यादा होता है। ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये क्वान्टिफाइड हैं, इनमें वेरिएबल्स नहीं है, इनमें मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते। मैथ्स में होते हैं बाज़ एरियाज में, लेकिन इसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके वेरिएबल्स बदलते रहते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है जितना मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ये भी नहीं कबूल तो ये भी नहीं कबूल तो हमने सारी स्ट्रगल इसलिए की थी। और हमेशा पॉलिटिक्स में डील मेकिंग करनी पड़ती है इन द एंड। आपको शिकस्त के बाद भी डील करनी होती है और आपको फतह के बाद भी डील करनी होती है, जंगों के बाद भी डील मेकिंग होती है। लेकिन इस वक्त जो एक लोगों के जहनों में एक हैजान है उसमें उनको लगता है कि शायद, मतलब इनफैक्ट जो कुछ कहा जा रहा है इस वक्त मैं देख रहा हूँ तमाम चैट साइट्स के ऊपर, वो कोई इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है कि हमें ये भी कबूल नहीं है, हमें ये भी कबूल नहीं है, हम इलेक्शन जीत चुके हैं, हमने ये भी नहीं करना, हमने वो भी नहीं करना, तो फिर क्या करना है? उसमें से फिर क्या पिक्चर इमर्ज करती है मैं भी आपको आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले हम insaf.pk की ये साइट देख लें बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म जो है वो कर लें, उससे उनका फ़ायदा ही हो जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं जो एक्सप्रेस की साइट है। अच्छा, अब इसकी दो तीन मैं आपको डिफरेंट दिखा रहा हूँ ताकि मुझे डिफरेंट पेजेस ना खोलने पड़े। insaf.pk की ये साइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान में बंद हुई हुई है, पाकिस्तान में इसको आप नहीं देख सकते। इसमें अगर आप आएंगे, और इसको बहुत कम लोग देख रहे हैं आप में से जो बाहर दुनिया में हैं, क्योंकि नंबर्स मुझे पता चल रहे हैं, इसको कोई देख ही नहीं रहा। ये फॉर्म 45 का इन्होंने है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप गालिबन इधर आ जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये फॉर्म सीधे सीधे स्क्रिप्ट करके, और यहाँ से आप insaf.pk से निकल के स्क्रिप्ट की साइट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इन्होंने सारे फॉर्म
45 जो हैं वो इन्होंने रख दी हैं, दरमियान में इश्तहार चल रहे हैं, फिर फॉर्म 45 है, साइड पे भी आप देख रहे हैं कि इश्तहार चल रहे हैं और ये फॉर्म 45 इन्होंने रख दी हैं, ये कमोडो का इश्तहार चल रहा है माशाल्लाह, बाय बाय टॉयलेट रिंग्स। अब इसमें से कोई कहेगा बड़ा सियाणा किस्म का पीटीआई का, ओ नहीं डॉक्टर साहब आप यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट के बगैर इसको देख लें, मैं देख लूँ सारे कॉन्ग्रेशनल एड्स तो देखने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। बहरहाल यहाँ पर ये देखें, ये इसे कहते हैं, मेहनत इसमें बहुत की पीटीआई की टीम में, इसमें कोई शक नहीं है, ये NA 148 के रिजल्ट फॉर देखें, इन्होंने ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे रख दिया, और ये पोलिंग वाइज ये 1 से 13 तक ये पोलिंग स्टेशन उसका रिजल्ट उन्होंने बताया, जिसमें बताया कि पोलिंग स्टेशन के नाम क्या है, पीटीआई का सिंबल क्या था, यहाँ पे क्लॉक था, PMLN का शेयर, PPP का एरो, TLP का क्रेन था, टोकन क्या है, रिजेक्टेड वोट कितने हैं, ये सब, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। इसके बाद इसको नीचे देखते चलाएं, फिर एड्स आ गए दरमियान में, फिर एड्स इसमें ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, फिर ये सारी कहानी चल रही है, फिर ये उसके आगे, फिर अगले पोलिंग स्टेशन के ये आ गए, ये आप देख सकते हैं कि ये 14 से, इसको देखें मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करना है, और ये चला इस तरह से, अगर आप इसको नीचे चले जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, इन्होंने इसको ब्रैकेट्स पर रखता है, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे टेबल्स रखे हैं कि ये टीम बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं है, इनके पास जो IT की बहुत सी एप्स हैं वो नहीं है, इनके पास सरमाया नहीं है, इनको फाइनेंशियल मदद चाहिए, इनको थोड़ी सी कंसल्टेंट भी मैनेजमेंट चाहिए कि किस तरह से इस साइट को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है वो बनाया जा सकता है। बहरहाल ये आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूँगी, ये सिर्फ एक हल्के का डेटा इन्होंने रखा हुआ है, जिसमें टोटल 275 के करीब मेरा ख्याल है 275 इसमें पोलिंग स्टेशंस हैं, या आप देखते जाते हैं कि हर डब्बा जब आता है आपके सामने ये एक्सेल का जिसका भी, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 141 से 160 तक के दरमियान है, फिर इस तरह से ये चलता जाएगा, और यूं मैं इसको वैसे बंद कर देता हूँ बिकॉज ये खासा तकलीफ दे सारा दिखाना, यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, अल्लाह करे स्टॉप शेयरिंग हो जाए, ठीक। अब इसमें मैंने आपको दिखाया क्यों इतना पेनफुल, मैंने आपको दिखाया इसलिए कि बहुत मेहनत की है पीटीआई की टीम में, इसमें कोई शक नहीं है, डाटा इकट्ठा करना, पहले तो सबसे बात है वो बड़े चीते थे वो पोलिंग एजेंट, उन्होंने कमाल कर दिया, जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूरे पाकिस्तान के फॉर्म 145 रिसीव कर लिए, ये बहुत बड़ा उन्होंने कमाल किया है, इतना बड़ा कमाल पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री में कम ही हुआ है, अगर आप 2013 और 2018 के इंतखाबात में देखें तो दिस वॉज अ मेटिकुलस ऑपरेशन, इन्होंने बड़ी डेडिकेशन दिखाई, ये बहुत ट्रेंड थे, इन्होंने ये कमाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है, वेबसाइट जो है ये बहुत मेहनत है इस वेबसाइट में, लेकिन ये वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस वेबसाइट की यूजर फ्रेंडलीनेस को, ये इंग्लिश में होनी चाहिए वेबसाइट बिकॉज पाकिस्तान के अंदर आम आदमी जिसने उर्दू में इसको वेबसाइट पढ़नी है उसने कोई फैसला नहीं करना है इस वेबसाइट के हवाले से, इसका फैसला अगर किसी ने करना है तो उस क्लास ने करना है जो इंग्लिश पढ़ सकती है आसानी से, जुडिशरी ने, ट्रिब्यूनल्स ने, इलेक्शन कमीशन ने, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों ने, और दुनिया भर में सारे अपनी खांसी को तो खत्म करोगे इसी तरह से, सॉरी फॉर दिस, ये जो वेबसाइट है जो पीटीआई बना रही है इसने यूजर फ्रेंडली होना है फ्रॉम अ डिसीजन मेकिंग क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिसीजन मेकिंग क्लास पाकिस्तान के अंदर भी है, मतलब हाई कोर्ट की जुडिशरी है, पढ़ी लिखी क्लास है, इंटेलिजेंसिया है, और वो डिसीजन मेकिंग क्लास जो मदद कर सकती है वो पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में है, वो अमरीका में है, वो बरतानिया में है, वो कैनेडा में है, वो यूरोप में है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वैसे तो सबको पता है, ये तो तमाम दुनिया के ज़रा अबलाग ने, जितने बड़े इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस वेबसाइट के जरिए जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है एक ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, एक चीज़ होती है कि लोगों को यकीन हो गया या उनको शक हो गया या उनको पता चल गया, एक चीज़ होती है जिसको हम इस्लाम में कहते हैं ऐनुल यकीन, जब ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त यूज़र फ्रेंडली तरीके से बनती है तो ये लोगों को ये देखने का और महसूस करने का और फील करने का मौका देती है कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा झुरलू फेरा जा रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है, और अल्टीमेटली जब इसको लोग देखते हैं कंक्रीट फॉर्म में, और ये कोई इसको कितना ये बंद क्यों ना करें कि डिफरेंट VPN के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान में ये साइट जो है जब दिखानी होगी तहरीक इंसाफ में किसी को तो वो दिखा सकेंगे, और दुनिया भर में तो ज़ाहिर है इसको लोग देख रहे हैं, इसको अमेरिका में कॉन्ग्रेशनल एड्स, सेनेट के एड्स, बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उनके लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन इस जिस फॉर्म में ये मौजूद है इसको अगर वो देखेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो PTI को एक लड़का लड़की स्मार्ट सा कंसल्टेंट चाहिए जिसको पता हो कि वेबसाइट को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, इसे यूजर फ्रेंडली होना है, इसमें सबसे पहले ओवरऑल इलेक्शन के बारे में जहाँ से फॉर्म 145 शुरू होता है वहाँ एक वेल रिटन नोट चाहिए 3-4 पैराग्राफ का जो एक्सप्लेन करे कि इलेक्शन फलां तारीख को हुए, प्लीज़
इतने डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए, इसमें तहरीक इंसाफ के कितने कैंडिडेट्स थे, बाकी के कितने कैंडिडेट्स थे, सम टोटल तहरीक इंसाफ ने कितनी सीटें जीती हैं एज पर द फॉर्म 145, कितने हमारे पास हैं, कितने फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, लेकिन हम फॉर्म 45 इस साइट के ऊपर रख रहे हैं क्योंकि ये एविडेंस है और उससे क्लियर पिक्चर आपके जहन में बन जाएगी कि सिलेक्शन में किस किस्म की धांधली हुई है। और उसके बाद उसमें ये स्क्राइब करें कि ये 266 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको भी एक ऑर्डर में रखने की जरूरत है, यानी NA1, NA2, NA3, NA4, NA5 इस तरह से चलने की जरूरत है। फिर इसमें ये भी डिस्क्रिप्शन होने की जरूरत है, ये KP है, ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलोचिस्तान है, तो इसमें एक ऑर्डर लाने की जरूरत है। और हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले दो तीन लाइनों का एक पैराग्राफ की छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है। इस साइट के ऊपर खुदारा ऐड नहीं होने चाहिए। डोंट आस्क पीपल कि वो ऐड फ्री सॉफ्टवेयर अपना पे करके ले लें, इस पे ऐड बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस पे ऐड बंद कर दें, और इसमें इतनी स्पेसेस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सारा का सारा मतन वेल रिटन इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, बिकॉज ये वेबसाइट आज नहीं, आने वाले कई दिनों, हफ्तों, महीनों के अंदर आपको एक सपोर्ट करेगी, तो इसके ऊपर आप मेहनत करें। आईटी का काम एक है, डिस्क्रिप्शन देना आईटी वाले नहीं कर सकते, आईटी वाले वूमन डिस्क्रिप्शन देने में बड़े निकम्मे और कमजोर होते हैं। यहाँ पर आपको एक इंग्लिश का राइटर टाइप बंदा चाहिए, लड़का बेशक जिसने ओ लेवल ए लेवल किसी लड़के लड़की ने किया हो, वो यहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इसको डिस्क्राइब करेगा, और एक आपको ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जो आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सके। बुनियादी तौर पर क्या है कि किसी ने भी दुनिया में हर फॉर्म 45 को नहीं देखना, अगर आप सब जो मतवाले भी हैं, शेदाई हैं, जेले हैं पीटीआई की, वो भी 2-4 मिनट से ज़्यादा फॉर्म 45 को नहीं देख सकेंगे। किसी ने फॉर्म 45 नहीं देने, आप फॉर्म 45 यहाँ पर रख रहे हैं एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट विच यू आर मेकिंग, आपकी स्टेटमेंट होगी वेल रिटन इंग्लिश के अंदर, सपोर्ट के लिए फॉर्म 45 होंगे। अभी सिचुएशन यह है कि अगर सामने NA148 का एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे फॉर्म 45 किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के पड़े हैं, इसको आपने एक साफ करके ऑर्डर के अंदर लेकर आना है। आई होप इट हेल्प्स। और डिस्क्रिप्शन आपने जो देनी है उसको आपने एविडेंस के जरिए सपोर्ट करना है। इस वक्त इमरान खान का चैलेंज क्या है कि इमरान खान ने फैसला करना है, जो मुझे लग रहा है कि मोर और लेस जो फैसला जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो यही है कि हमने हुकूमत नहीं लेनी है, हमने अपोजिशन के अंदर बैठना है और हमने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है। हाउएवर देयर आर सर्टन वेरी सीरियस चैलेंजेस इन दैट अप्रोच। पहला तो ये है कि पहला फैसला यही है कि इमरान खान का जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट में आना है किसी न किसी फॉर्म के अंदर, या हमें अपोजिशन में बैठना है। फिर ये कि जो हमारी सीटें हैं वो 150 हों, 160 हों, 170 हों, हमने कैसे उनको कंक्रीट फॉर्म में सामने लेकर आना है, कैसे हमने उस रियलिटी को कन्वर्ट करना है, क्या उसका तरीका होगा, और कितनी देर तक हम ये स्ट्रगल करेंगे, मैं, मेरी जमात, मेरे साथ खड़े लोग और जो पॉलिटिकल क्लास है, कितनी देर तक हम यही स्ट्रगल करते रहेंगे कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, हमने मजीद जो है स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है। दूसरी चीज़ है MNAs, MPAs। अच्छा, अब जो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जो पोलिटिकल क्लास जिसने इलेक्शन लड़ा है, मार खाई है, सारा कुछ किया, ये इमरान खान को ये जजमेंट करनी पड़ेगी कि मैं तो चलें खड़ा हूँ इतनी देर तक। एक तो PTI सपोर्टेड कोई MLA वाला था जिसने PMLN को ज्वाइन कर लिया है, पहले मशहूर कर दिया कि मैं अगवा हो गया था, लेकिन हमाद अजहर साहब में बहुत से लोग कंफर्म करते हैं कि अगवा वाली कहानी बकवास थी, पैसे पकड़े और दूसरी तरफ चला गया। ये अगले चंद दिनों के अंदर अगर तहरीक इंसाफ कोई इंटेलिजेंट फैसला नहीं कर सकेगी तो ये जो एट्रिशन है ये बढ़ सकती है, बिकॉज ये जो पोलिटिकल क्लास के लोग हैं इसमें से ठीक है कुछ लोग एक नज़रिए के लिए खड़े होंगे, कुछ लोग से डरेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये असेंबलियों के अंदर आए हैं, ओहदों के लिए आए हैं, इनमें से कम एक माइनॉरिटी ऐसी ज़रूर होगी जो ये सोच के आई है। और इस वक्त ऑलरेडी जैसे कि हमने देखा कि 55 से 60 सीटें जो हैं वो PMLN ने खाई हुई है, PTI की 14 जो है वो PPP ने खाई हुई है, ये इस वक्त सूरत हाल है। और जो हैं 101 इंडिपेंडेंट हैं, इसके अंदर भी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इमरान खान को इसका सोचना पड़ेगा। और फिर ये कि लोग कहते तो ये ज़रूर हैं कि हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, लेकिन कितनी देर तक खड़े रहेंगे। संडे के दिन में जिन प्रोटेस्ट का कहा गया था वो प्रोटेस्ट हुई ज़रूर है लाहौर में, क्यों हमाद अजहर ने कहा नहीं होनी चाहिए, कि जैसे डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है उनको खेलने का प्लान था एस्टैब्लिशमेंट का, वो दोबारा मे 9 करना चाहते थे इसलिए हमने नहीं की, ये सब चीज़ें अपनी जगह सही हो सकती हैं और प्रोटेस्ट डेफिनेटली हुई है, मुतअद्दिद जगहों पर हुई हैं, शहरों में हुई हैं, लेकिन उतनी भी ज़ोरदार नहीं हुई है और उतना कोई उनका नैरेटिव शेप नहीं हुआ जितना कि शायद लोग एक्सपेक्ट करते होते। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग सारी उम्र जो है उन्होंने अपने काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिन के हर दिन स्ट्रगल ही करते रहेंगे, और जो बड़ा लीडर होता है जैसे इमरान खान है उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कितनी देर तक मैं लोगों से ये स्ट्रगल करा सकता हूँ, क्योंकि 2 साल से ये स्ट्रगल चल रही है। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका खेल ही यही है, उनका खेल ही यही है कि लोगों को थकाओ, कुछ और करो, कहानी करो। तो ये सब चीज़ें जो है ये सोचने की ज़रूरत है, मुझे ये बिगर पिक्चर और ये सोच जो है
वो भी तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल कैडर्स में, इवन अमरीका के अंदर मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अमरीका में बहुत मुतहरक है इमरान खान का सपोर्ट बेस और तहरीक इंसाफ, लोग बहुत मुतहरक हैं पाकिस्तानी अमेरिकन, लेकिन एक बिगर पिक्चर के बगैर ये तमाम एक्टिविटी जो है ये किसी पास नहीं लग सकेगी। लेट्स सी क्या होता है, इमरान खान क्या फैसला करते हैं। थैंक यू।